हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग के स्टार्टिंग हो गए नए दिन के साथ और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9। तो आज पहाड़ में एकदम मौसम बदल गया, आज काफ़ी ठंडा हो रहा, बादल लगे हैं। तो मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा। तो दोस्तों, पता नहीं आज बारिश आती है या क्या होता है, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो हमने अपना लूट भी डालना है, परसों भी लेके आए थे, वो भी ऐसी है घास, और वो लूट हमारा अधूरा होगा करके आज हम फिर से घास ला रहे हैं, पूरा करेंगे। तो मतलब आज किसी और दीदी की बारी है तो हम लेके आ रहे, वो कल लेके आएंगे। अंजू और मम्मी भी गए हैं ठसवी गेट ने, उसमें हम लूट लगाएंगे ना, तो लूट लगा लेते हैं। बारिश आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है पहाड़ में मौसम का। तो अभी मम्मी लोग तो वहाँ गए हैं और मैं घर में भर रही हूँ पानी, क्योंकि पानी भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है हमारे गांव में। तो किसी के यहाँ पानी आता है, किसी के यहाँ नहीं आता, तो आज पानी ठीक करने वाले भी आए हैं। तो गांव में हल्ला ही रहता है, कोई बोलता है हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। तो अभी मैं अपना काम करती हूँ, फिर हम जाएँगे घास लेने के लिए, अपना लूट लगाएँगे ना, बारिश भी आ सकती है। तो अभी मैं अपना काम करती हूँ। तो दोस्तों, अभी हम चले घास लेने के लिए, मैं लेके जा रही हूँ फांस और घसौल, अंजू वहाँ से आ रहे हैं बैल को लेके, अभी हम चलते हैं। गाय बैल खुल गए हैं हमारे यहाँ के, सूरज है इन बादलों के पीछे, आज आता है नहीं आता जने। तो दोस्तों, यहाँ है हमारे दो लूट, एक ही है और एक वो सामने वाला है, अभी हम इसको लेके जाएंगे, कि अगर कम हुआ तो उससे निकालेंगे। आज का मौसम देखो, बादल लगे। तो अभी निकाल लेते हम पहले एक घास, अभी कोई नहीं आया। रुक जा मैं। तो दोस्तों, मेरे को आखिरकार पेड़ में ही चढ़ना पड़ा क्योंकि घसौल हमारा टूट गया है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे अंजू ने यहाँ चढ़ाया है, अभी मैं ये घास निकालती हूँ नीचे। तो दोस्तों, घसौल ने हमारा साथ तोड़ दिया, यहीं से टूट गया है मेन जगह से। अभी घसारी कोई नहीं आए हैं घास लेने के लिए, हमने उनकी गढ़ी रेडी भी कर दी है, अब हम वेट कर रहे हैं। अभी चाची आ गए हमारे और कोई नहीं आया, इतनी घास आ रही है। अभी सबकी गढ़े रेडी है, सब आ गए हैं घास लेने वाले। अभी सब घास लेके चले गए, यहाँ का लूट हो गया, अभी हम ऊपर से लेके जाएंगे। अंजू हाय, अंजू मैं और मम्मी भी आ रहे, अभी हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक लूट ये रहा, हम इसमें से लेके जाएंगे, मम्मी आ रहे, फिलहाल तो हम उनका वेट कर रहे क्योंकि घसौल लेके आएंगे वो। ये तो टूट गया, अभी इसमें तो हम ट्राई करते हैं दराती बात के। ये बड़ा ही लूट है, इसमें कितना, 4-5 गुड़े इसमें भी है। तो दोस्तों, यहाँ से भी 5 गुड़े हुई हमारी, 4 गुड़े ये है, एक गुड़े मैं ऊपर भी छा के आ गई हूँ। अभी एक मनीषा भी लेने आए हैं हमारी घास। तो दोस्तों, मैंने अपनी गढ़ी यहाँ फेंक दी है, अभी मैं लेने जाऊँगी अंजू का, अंजू वाली गढ़ी लेके आएंगे, जो एक एक्स्ट्रा थी हमने नीचे वो करी थी ना, बिछाई थी, वो अंजू लेके आएंगे, और मैं लेके आती हूँ अभी उनकी गढ़ी। ये बच्चों को देखो ना, ठंडा होता है ना कुछ, पत्थर से मार रहे हैं चीड़ के पेड़ में, उसमें हो रखे हैं ठिठ। तो दोस्तों, घास लेके आ गए हैं हम, और अभी हम सीधे भात खाएंगे, आज हमने सुबह ही बनाया है, राजमा की दाल है, साथ में मूली अचार,
तो दोस्तों खाना खा के अब हम सीधे चले लूट डालने के लिए, क्योंकि मौसम अभी वैसी है, खुला नहीं है, बादल लगे हैं, तो अभी हम चलते हैं लूट डालने अपना। तो दोस्तों ये रहा हमारा लूट, यहाँ का लूट तो डाल दिया अंजू ने, अभी नीचे एक दो गुढ़े और डालने हैं। कुमर लग गए, अभी चलते हैं हम। तो दोस्तों आज हमने गोबर भी नहीं फेंका, काफ़ी लेट हो गया, तो अभी हम गोबर भी फेंकेंगे और नीचे लूट भी डालेंगे। तो मम्मी भर रहे हैं गोबर, हमारी चंपा ने ना हई फेंकने चले गोबर। नीचे वाला लूट ये है, ये पहले से आधा हमने डाला है, अभी इसमें तीन गुढ़े घास हमने और ऐड करनी है। अच्छा चार गुढ़े है, अभी पहले इसको आधा निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर ऊपर की घास को। तो दोस्तों ये लूट भी हमारा फाइनल हो गया है, ये वाली घास को घर लेके जाएंगे भैंस के लिए। तो दोस्तों पहाड़ में ऐसे ही होता है, एक दिन मौसम बदलता है तो काम बढ़ जाते हैं, और बारिश के मौसम में तो ज़्यादा ही होता है। आजकल एक तो घास लानी हुई, सभी लाते हैं, तो इसलिए घास रह जाता है, फिर लूट एक दो दिन के बाद ही डाल पाते हैं ना, जब हमारा नंबर आता है, क्योंकि हर रोज़ किसी का नंबर रहता है। तो इसलिए अच्छा हुआ हमने दोनों लूट आज डाल दिए, अभी मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, बादल ही लगे हैं, बारिश भी आ सकती है। वैसे बारिश तो चाहिए, क्योंकि हमने गेहूँ बोए हैं ना, होनी चाहिए बारिश। तो अभी हमारा लूट भी हो गया और हम चलते हैं घर को, फिर हमें जाना है ग्वाला, अंजू भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकती हूँ, देखते हैं। अभी चलते हैं घर। किले जी लूट बनाई हम आज हो तो दोस्तों ग्वाला से आके अभी मैं सीधे जा रही हूँ लकड़ी को, क्योंकि मम्मी और अंजू गए हैं, तो मैंने उनको फ़ोन करा, इसलिए अभी मेरे को भी जाना है, काफ़ी दूर गए हैं। और हमारे यहाँ को तो भैंस भी चरने आए हैं, पता नहीं कहाँ की है, मेरे को भी नहीं पता। ये देखो दोस्तों भैंस। तो दोस्तों मम्मी और अंजू यहाँ है, और सामने आई है एक दीदी, अभी मैं चलती हूँ नीचे, सब भी हो जैसा है। तो दोस्तों यहाँ है मम्मी और अंजू, इतनी लकड़ियाँ इन्होंने निकाल ली हैं, ये अंजू ने निकाली है बल इतनी सारी लकड़ियाँ। और मम्मी अभी फिर से करने, अभी मम्मी को तीन लोगों के लिए बनाने हैं हम तीन। हाँ एक दीदी ऊपर है, और ये है मेरी मम्मी, आज काफ़ी लंबी लकड़ियाँ निकाली है इन्होंने, ये देखो। हाँ देखो ये भी सीख रहे हैं, अभी ट्रेनिंग में चल रहे, लेकिन ये हो गए हैं परफेक्ट। इन्होंने फिर भी दो चार लकड़ियाँ निकाल दी है, ऐसा कोई काम नहीं है जो अंजू नहीं कर सकती, ऐसा कह रहे हैं वो, ऐसा हम भी मानते हैं। अभी मम्मी है रेस्ट में, अभी मैंने एक गुढ़े लगा दी, अभी एक गुढ़े और लगाऊंगी, लेके आती हूँ रस्सी। एक गुढ़े अंजू की लकड़ियों से बनेगा, अभी ये मम्मी की गुढ़े हैं, अभी मम्मी की तो काफी लकड़ियां बची है। मम्मी अंजू को ट्रेन कर रहे हैं,
वो सामने हमारी चाची भी आ गए हैं। ये यहाँ लगे हैं दीदी। पेड़ ही पेड़ है सर। तो दोस्तों हमारी लकड़ियाँ दो गुढ़ई से ज़्यादा हैं, अभी इतने और हैं, मम्मी अभी फोड़ने में ही है, तो हम इनको आधे रास्ते तक फेंक के आते हैं, फिर दोबारा आएंगे इधर लेने। अंजू और चाची चले गए हैं आगे आगे, और मैं आ रही हूँ पीछे से। ये गुढ़े ये गुढ़े बिछा के आए हैं हम, अभी मम्मी पीछे ही है। अच्छे से सूखे नहीं है तो थोड़ा भारी हो रखे हैं, घर जाके एक बार और आना पड़ेगा हमको शायद। अभी हम चलते हैं। दोस्तों हमने अपनी लकड़ियाँ फेंक दी हैं अपने धार में, फिलहाल तो हमारी लकड़ियाँ यहाँ नहीं है, थोड़ा है, पहले हमारा लकड़ियों का धार यहीं था, लकड़ियाँ रखते हैं मतलब कनख्याव बोलते हैं, वो यहीं था। अभी हम यहाँ नया कनख्याव बनाएंगे, वैसे तो हमारी लकड़ियाँ हैं बट हमने वो अब अलग अलग जगह रख ली हैं। ये है हमारी लकड़ियाँ, अभी मैं चलती हूँ घर को। अभी अंजू बाद रहे हमारी भैंस को बाहर, चंपा आ गई, नैना आने में टाइम लगा रही, और ये आती है मेरे पास। ये हमारी मिंटी, हमारे सारे लूट खा दिए इनकी गाय ने, यहाँ देखो इनकी गाय ने सारे लूट खा दिए, मेरी गाय नीचे है, अभी मैंने इतने सारे भगा दिए इधर। चल ये हट, ये सारी घास खा दे रहे यहाँ से लूट से हमारा। चल हट हट, हाँ। तो दोस्तों हमारे लूटान नीचे है ना, तो इसलिए यहाँ गाय आते भी हैं तो पता नहीं चलता। अभी तो मैंने देख लिया थोड़ा इनको, हमारी सारी घास खा दी इनकी गायों ने। मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी व्यूज़ आते हैं वीडियोस पे, अच्छा लगता है व्यूज़ देख के, बट लाइक बहुत कम होते हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 मिनट देखता है, कोई 3 मिनट, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, उससे थोड़ा अच्छा भी लगता है और तो हमको सपोर्ट भी मिलता है आप लोग का कि हाँ पूरी वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, और कमेंट्स भी करा करो अगर वीडियो से रिलेटेड हो या आपको मेरे से कुछ पूछना हो या कुछ भी ना ब्लॉग से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और लाइक कमेंट्स भी करें। तो दोस्तों चाय वाय पी के अभी हम चले घास लेने के लिए, अब मौसम में बिल्कुल चेंज नहीं है, सुबह से ठंडा ही हो रहा है, तो अभी मैं उनका घास लेके आती हूँ, दीदी लोग का वो चले गए, वरना मैं अकेले रह जाऊँगी, फिर मेरे को डर लगता है। अंजू भीखू काटने के हैं और मैं जाती हूँ घास लेने, आपको मिलती हूँ घास से आने के बाद। तो दोस्तों घास लेके भी मैं आ गई हूँ और काफ़ी लेट हो गया, तो ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।